फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वॉचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टरीज और वेंस के बारे में। आर्टरीज और वेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट है जो कि सिर्फ हमारे चैनल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आर्टरीज़ और वेंस के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। आर्टरीज़ कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को आर्टरीज़, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज़ जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जबकि वेंस क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो ब्लड हमारे हार्ट तक लाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब मैं बात करता हूँ वॉल्स के बारे में। तो आर्टरीज़ की जो वॉल होती है वो थिक वॉल्ड होती है, जबकि जो वेंस होते हैं वो थिन वॉल्ड होती है। अब बात करते हैं कि वॉल्स की, तो आर्टरीज़ के अंदर कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि वेंस के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो के अंदर हेल्प करते हैं। तो अब बात करते हैं लोकेशन की। जो आर्टरीज़ होती हैं वो डीपली सिचुएटेड होती हैं, जबकि जो वेंस है वो सुपरफिशियल भी होती हैं और डीपली भी सिचुएटेड होती हैं। दोस्तों, आर्टरीज़ और वेंस के अंदर अब प्रेशर की हम बात करें तो आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जबकि वेंस के अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया आर्टरीज़ और वेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।